जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा पेपर, जो प्रीवियस पेपर सेट था, हमने खुद बनाया है ये प्रीवियस सेट, तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें हम GK और रीजनिंग के कुछ पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें दोस्तों। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलते चलते इसको शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम आने वाला है आपका, आपके आने वाले 25 जुलाई के पेपर में। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं उन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको मिलते रहे। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के दिए जाता है? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है, आपको भी इसका राइट आंसर का पता है तो अपने चैट बॉक्स में लिखिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं, रिविज़न अच्छी हो चुकी है आपकी, तो यही आपका रिविज़न का एक तरीका भी होगा। सो इसका आंसर है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ सिनेमा, ऑस्कर मिलता है सिनेमा जगत में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कवि भारत का वित्त मंत्री नहीं रहे? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा या कमलनाथ? जी दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर, अगर इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है श्री कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर दोस्तों, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश के, बट ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे अभी। मनमोहन सिंह जी भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम भी, यशवंत सिन्हा भी थे, बट कमलनाथ नहीं थे। सो द राइट आंसर इज़ कमलनाथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोची? जल्दी से इसका आंसर बताइए, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या कोचीन? चैट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। सो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा अगला पद ज्ञात कीजिए? सो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका अगला पद बता करना है, 5, 25, 125, 625 या 3125 या इससे आगे वाला क्या आएगा? सो जल्दी से इसका आंसर बताइए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आएगा 5 के मल्टीपल्स हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे इसका आंसर निकलेगा 5 into 5 125 625 625 into 5 3125 3125 3125 15 625। सो द राइट आंसर इज 15 625। 55 से मल्टीप्लाई करने से आता है इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांकेतिक भाषा में टेम्परेरी को EPSRSAYOYM लिखा जाता है? देखिए दोस्तों, इसको लिखना कैसे है, ऐसे टेम्परेरी, ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिखा गया है, EPRSAYOYM? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हमें बताइए, अगर इसका आंसर आपको पता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये क्या किया गया है इसमें, इसमें हमने इसको हमने इसी तरह से अगले वाला भी चेंज करना है, हमने एक्सक्यूज़ का है PGNVX और इसी तरह से एक्सक्यूज़ का है, अब हमने एश्योर का बताना है। अब देखिए दोस्तों, एश्योर ए का क्या है, एश्योर, इन दिनों में से देख के बताना है हमने कि एश्योर का क्या है, ठीक है दोस्तों, तो एश्योर आ रहा है ये हमारा ओ, ठीक है, एस आ रहा है हमारा एस, देख के बताना है एस के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स, ओ एक्स एक्स, ठीक है, यू के साथ क्या लग रहा है, यू के साथ लग रहा है दोस्तों वी, ओ एक्स एक्स वी है हमारे पास। सो द राइट आंसर इज ओ एक्स एक्स वी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 डिग्री फारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? जल्दी से इसका आंसर अपने चैट बॉक्स में करके बताइए। अगर इसका आंसर आपको पता है तो इसका आंसर है 0 0। 0 इक्वल्स टू 32 डिग्री F एंड 0 C। 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, कौन सी हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है? फीमर, रेडियस, अल्ना या ह्यूमरस? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आपको इसका आंसर पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है फीमर। लॉन्गेस्ट बोन होती है दोस्तों, लॉन्गेस्ट बोन इन आर बॉडी फीमर। पत्तियों के कारण हरी होती हैं, पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? सो इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। पत्तियां किस कारण से हरी होती हैं दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर हमें बताइए। इसका आंसर है हरित लवक। हरित लवक का मतलब होता है उसमें पाया जाने वाला हरा पदार्थ, जिसको अब यो ये जो अपना खाना तैयार करते हैं वो करते हैं फोटो सिंथेसिस से। ठीक है दोस्तों, फोटो सिंथेसिस से अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है, सो क्लोरो प्लास्ट इज द राइट आंसर, हरित लवक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का अक्षय रिन्यूएबल, अक्षय मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है जिसको हमने दोबारा यूज़ कर सकते हैं? कोयला नहीं, पेट्रोलियम नहीं, हवा नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं, हवा इज़ द राइट आंसर। हवा को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन हमें देती है पेड़ों से और पेड़ इसको रिन्यू कर देते हैं। मछलियाँ के द्वारा श्वसन क्रिया कहाँ से होती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। त्वचा, गलफड़े, फेफड़े, स्किन या इनमें से कोई नहीं? सीधा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गलफड़े, गिल्स से अपनी मछलियाँ अपना सांस लेती हैं दोस्तों। सो ये था हमारा आज तक का वीडियो, इसमें हमने जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें अगर हमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई पर्टिकुलर किसी चैप्टर का वीडियो चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट करें और नए दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।